क्या होगा अगर पूरी दुनिया के बॉर्डर्स को उखाड़ के फेंक दिया जाए तो। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं जो भी चीजें बताऊंगा वो सारी बातें सच होने का दावा मैं नहीं करता हूं, क्योंकि इस टॉपिक की पूरी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। शायद ये एकलौती वीडियो होगी पूरे यूट्यूब पर जो हमारे चैनल पर अपलोड की जा रही है, इसलिए जो भी बताऊंगा वो सारा मेरा अनुमान है। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है मेरे सब्सक्राइबर संकी सिंह को, जिन्होंने मुझे इस टॉपिक के लिए सुजेस्ट किया, बहुत ही अच्छा टॉपिक। तो चलो चलते हैं लंबे सफर पर, 195 देश विदाउट बॉर्डर। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग पकचोदी वाला टैक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। अगर बॉर्डर को हटा दिया जाए उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों है, तो चलो सबसे पहले निहारते हैं नेगेटिव पॉइंट्स को। नेगेटिव पॉइंट 1, वायरस। दोस्तों हर देश में अलग अलग प्रकार की बीमारियां पाई जाती है, और भगवान ना करे कि अगर क्रैंक्स नाम का एक वायरस किसी छोटी सी जगह में भी फैल गया तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी, दुनिया की 95% जनता का काम हो जाएगा। नेगेटिव पॉइंट 2, जो आज के टाइम में पॉलिटिकल लीडर्स है, मेरा मतलब राजनेता मंत्री छंत्री, जो आज के टाइम में ये कहकर जीतते हैं कि हम पाकिस्तान की फाड़ के रख देंगे, और यही पाकिस्तान में होता है। अगर जीतना है तो हिंदुस्तान को गालियां दो, उन सभी राजनेताओं के धंधों की माँ बहन एक हो जाएगी, और फिर उसके बाद वोट लेने का सिर्फ एक ही रास्ता बच जाएगा भाई, सभी बाबे बन जाएंगे और धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़वा कर वोट ले लिया करेंगे। नेगेटिव पॉइंट नंबर 3, आतंकवाद बढ़ जाएगा। अगर बॉर्डर नहीं होंगे तो हजूर आर्मी का क्या काम, मिलिट्री जैसी नौकरियां खत्म हो जाएंगी कुछ हद तक। नंबर 4, इंडिया और चाइना की जनता को सिर्फ इंडिया और चाइना ही संभाल सकता है। अगर बॉर्डर को खुलवा दिया गया तो इंडिया और चाइना की जनता पूरी दुनिया में फैल जाएगी, और हमारा आधा पंजाब तो कैनेडा में शिफ्ट हो जाएगा, और सारा इंडिया भी फैल जाएगा, जिससे अमेरिका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की कमर टूट जाएगी, और उन देशों में गरीबी बढ़ जाएगी, क्योंकि इतनी सारी जनता को ये देश एक महीना भी नहीं संभाल पाएंगे। नेगेटिव पॉइंट नंबर 5, ड्रग्स, कोकीन, गांजा, अफीम जैसे नशीले पदार्थ आपको छोटी छोटी दुकानों में देखने को मिल सकते हैं, और बिल्कुल सस्ते में, बहुत गलत बात है। अब चलते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पर। अगर दुनिया के सारे बॉर्डर्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव पॉइंट नंबर 1, न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु बम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो परमाणु बम किस काम का। दोस्तों परमाणु बमों से पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है, तो इससे यही पता चलता है अगर लड़ेंगे नहीं तो परमाणु बम किस काम का, तो वो सिर्फ एक कचरा रह जाएगा, कचरा नहीं उसका कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट नंबर 2, रशिया और अलास्का कनेक्ट हो जाएगा। रशिया और अमेरिका के बीच दुश्मनी चल रही है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो हम बस और ट्रेन की मदद से ही पूरा कनाडा और अमेरिका घूम के आ सकते हैं इंडिया से ही, यही नहीं हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं बिना हवाई जहाज और वीजा के। नंबर 3, भाईचारा बढ़ जाएगा और हमें एक दूसरे के रीति रिवाज को जानने का मौका मिल जाएगा। नंबर 4, बॉर्डर जैसे विवाद खत्म हो जाएंगे और झगड़े भी खत्म हो जाएंगे, अमेरिका का, रूस का, चाइना का, कोरिया का, फोरिया का, जो भी है सभी के खत्म हो जाएंगे यार, और जन्मों से चलती आ रही दुश्मनी जैसे पाकिस्तान और इंडिया, इनके भी झगड़े खत्म हो जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता क्योंकि हमारे दोनों देशों की मीडिया और राजनेता अभी जिंदा है मेरे दोस्त। नंबर 5, पूरी दुनिया में जितना पैसा मिलिट्री पर खर्च होता है उसका आधे से भी आधा, उसका भी आधा हमें मिलता है। अगर बॉर्डर्स नहीं होंगे तो मिलिट्री नहीं होगी, इसका मतलब सभी देश अमीर हो जाएंगे और तेरा भाई भी अमीर हो जाएगा। दोस्तों ये सब मेरा सोचना है, और आपका क्या सोचना है, शायद आप मुझसे भी अच्छा बता सको तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि दुनिया के सारे बॉर्डर्स हटा देने चाहिए या नहीं, यस और नो, और क्यों, जल्दी बताइए मुझे नीचे कमेंट में।